दोस्तों इस टाइम की सब्जी वर्गीय फसलें हैं तरबूज खरबूज, इनमें अभी थ्रिप्स का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इनको आप तुरंत कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। तो दोस्तों थ्रिप्स का अटैक इस टाइम स्पेशली तरबूज खरबूज या सब्जी वर्गीय फसलों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप जैसा देख रहे हैं फोटो की पूरी फसल ही खराब हो रही है। अगर शुरुआती स्टेज में आपने थ्रिप्स के अलावा बहुत तरीके के इंसेक्ट होते हैं, तो अगर शुरुआती स्टेज में कंट्रोल नहीं किया तो ये वायरस रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वायरस अटैक होता है, एक जगह से दूसरे पौधे में बहुत ही जल्दी ये फैलाते हैं इंसेक्ट, और वायरस डिजीज अगर आपकी फसल में आ गई तो फिर आपकी फसल बिल्कुल खराब हो जाती है, कंट्रोल करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसको आप इफेक्टिव तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों मैं सबसे बहुत ही अच्छा इस टाइम के लिए बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। आप इसका स्प्रे करेंगे तो तुरंत आपकी फसल में रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कॉम्बिनेशन में लेना है आपको दोस्तों जंप इंसेक्टिसाइड, जिसमें फिप्रोनिल 80% WG फॉर्म में आता है, और जंप इंसेक्टिसाइड के साथ में आपको लेना है एंट्राकोल फंगिसाइड या फिर साफ फंगिसाइड या फिर रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड। तीनों में से जो आसानी से अवेलेबल हो जाए उसमें से किसी भी एक फंगिसाइड को आप ले लें। तीनों ही फंगिसाइड की डोज है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है, यानी तीनों में से कोई सा भी मिल जाए उसकी डोज आपको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है, और जंप इंसेक्टिसाइड की डोज लेनी है 2 ग्राम प्रति टैंक, यानी 15-16 लीटर का आप टैंक यूज कर रहे हैं तो जंप इंसेक्टिसाइड सिर्फ 2 ग्राम लेंगे, और तीनों में से कोई सा भी अगर आप फंगिसाइड ले रहे हैं तो वो 30 ग्राम आप लेंगे। इस तरीके से आप अपने फसल में स्प्रे करेंगे, तुरंत आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों विशेष सावधानी आप जरूर ध्यान रखेंगे। हनी भी है, फ्लोरिंग स्टेज आ रही है आपकी फसल में, मधुमक्खियों का काम हो रहा है, तो आपको ये स्प्रे या तो लेट इवनिंग में आप स्प्रे करेंगे या फिर अर्ली मॉर्निंग करेंगे। सुबह बहुत ही जल्दी स्प्रे करना है या बहुत ही लेट शाम को, जितना हो सके उतनी आप लेट शाम को करें ताकि हनी भी को नुकसान ना हो। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।